वंदे मातरम विद्यार्थी मित्रों, आज आप धोरण आपलू छे पांच विषय छे हिंदी अने चैप्टर नंबर छे बीजू गिनती। बराबर, तो आ पहला आप सपोथी में पेज नंबर 44 सुधी भणी गया छे। तो आज आप चैप्टर नंबर 2 गिनती पेज नंबर आप सपोथी में करवाना छे 45 में। एम आप 21 से 45 तक की गिनती क्रम से बोलते हुए उन्हें जोड़कर चित्र बनाइए। 21 से 45 तक की गिनती क्रम में जोड़ते हुए हमें गिनती बनानी है। बराबर, तो देखिए बच्चों, ये हमारा चित्र है खरगोश का चित्र। उसमें हमें उसके सामने क्या बनेगा, शायद गाजर बनेगा। बराबर, खरगोश को ज़्यादा क्या पसंद है, खरगोश को ज़्यादा गाजर पसंद है। तो हमें यहाँ पे गाजर का चित्र पूरा करना है। तो हमें 21 से गिनती स्टार्ट कर दे बच्चों। बराबर, तो देखिए 21, 22, 23, 24, 25, बराबर 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, बराबर 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 और 45। से हमारा ये गाजर का चित्र तैयार हुआ। देखो, गाजर का चित्र तैयार हुआ ना। तो खरगोश को गाजर पसंद है, तो हमने उसका गाजर तैयार कर दिया। बराबर, अब देखेंगे बच्चों, अब हम आगे नीचे लिखा है गिनती क्रम से बोलिए और खाली जगह में संख्या लिखनी है, जो हम आगे पढ़ गए हैं पाठ्य पुस्तक में, तो हमें यहाँ भी लिखना है। चलो बच्चों, लिखते हैं एक के बाद दो, फिर तीन के बाद चार, फिर पांच के बाद छः। बराबर, पांच के बाद छः, फिर सात, आठ है आपके पास, आठ लिखा है। बराबर, फिर नौ और दस भी लिखा है, फिर ग्यारह। बराबर, फिर लिखना है आपको यहाँ पे ग्यारह, बारह के बाद तेरह, चौदह के बाद पंद्रह। बराबर, इसे हमें लिखना है। फिर लिखना है सोलह, सोलह, सत्रह दिया है। बराबर, सोलह लिखना है, सत्रह दिया, अठारह, अठारह, सोलह के बाद अठारह। फिर लिखना है उन्नीस, और फिर बीस तो आपको दिया गया है। बराबर, बीस तो आपके पास लिखा है। अभी लिखना है इक्कीस के बाद बाईस, बाईस। बराबर, इक्कीस के बाद हमें लिखना है बाईस, फिर लिखना है तेईस, तेईस, चौबीस तो है हमारे पास। बराबर, आपके पास, फिर लिखना है आपको पच्चीस, बराबर पच्चीस। फिर लिखना है छब्बीस के बाद सत्ताईस, सत्ताईस। फिर लिखना है अट्ठाईस दिया, फिर दिया है उनतीस, फिर लिखना है उनतीस। बराबर, फिर लिखना है तीस, तीस तो है आपके पास, इकतीस भी है। फिर लिखना है बत्तीस, फिर लिखना है तैतीस,
બરાબર. તેત્રીસ, ચોત્રીસ ભી લિખા હૈ આપે, ફિર લિખના હૈ પૈંતીસ, પૈંતીસ બરાબર, ફિર લિખના હૈ છત્તીસ બરાબર, ફિર લિખના હૈ સેતીસ, તો આપકો દીએ ગયે અડતીસ, અડતીસ, ફિર લિખના હૈ અડતીસ કે બાદ ઉનચાલીસ ભી દીએ ગયે હૈ બરાબર, તો ફિર આપકો યહાં પે ચાલીસ લિખના હૈ, ચાલીસ. उसके बाद 41 भी दिए गए हैं, फिर आपको लिखना है 42 बराबर, फिर लिखना है 42, फिर लिखना है 43 तक दिया है आपको बराबर, 44, 44, फिर लिखना है 44 के बाद 45, स. अभी हमको क्या दिया गया है, नीचे आपको दिया गया है 46 दिया गया है, अब दो ही खाने बाकी हमारे, तो आपको लिखना है 47, सही ता ली स, फिर लिखना है 47 के बाद हमें लिखना है 49, 49 मतलब, और आपको 50 तो दिया है यहाँ पे, इस तरह हमें लिखना है बराबर. अब देखो बच्चों, हमें अभी लिखना है आगे की संख्या, लिखिए आगे की संख्या लिखिए. तो यहाँ पे हमें 24 दिए है, तो आगे क्या आएगा, 24 के आगे आएगा 23 बराबर, और 18 के आगे क्या आएगा बच्चों, तो 18 के आगे आएगा 17, हमें 17 लिखने हैं. और 30 दिया है यहाँ पे बराबर, 30 के बाद हम आएगा 29, 29 यहाँ पे आपको दिया है बाजू में 35, उसके पहले आएगा 34, 8 के पहले आएगा 7, 20 के पहले आएगा 19 बराबर. अभी 31 के पहले क्या आएगा बच्चों, तो 31 के पहले आएगा 32 के पहले आएगा 21, 22 के पहले आएगा 21, 17 के पहले आएगा 16 बराबर. इस तरह हमें ये बॉक्स भर के पूरे करने हैं बराबर. अभी हमारा थोड़ा बाकी है, अभी आएगा 10 के पहले 9, 42 के पहले 41, 42 के पहले 41 बराबर. अभी अब हो गया हमारा पूरा बराबर. अभी है 44 के पहले आएगा 43 बराबर, 43, तो हम कैसे लिखेंगे 43 को बच्चों, देखो 4 और 3 बराबर, ऐसे 4 और 3 लिख के पूरा करना है. तो ये हो गया हमारा पेज नंबर
45 पूरा, पेज नंबर 45 पूरा। आज हमने खरगोश के चित्र के सामने गाजर का चित्र पूरा किया है, बराबर। उसके बाद 1 से 50 तक की जो गिनती थी अंक और शब्दों में, वो हमने पूरी की है। उसके बाद प्रश्न नंबर 6 पे है, आगे की संख्या लिखे, वो भी हमने लिखकर पूरी की है। तो बच्चों, आपको भी अपने आइडियल बुक में पेज नंबर 45 तक का, पेज नंबर 45 तक का सब पूर्ण करना है, बराबर। तो आज जितना कराया है उतना याद रखना और अपने आइडियल बुक में पेज नंबर 45 तक का पूरा करना। अगले पीरियड में फिर मिलेंगे। आज जितना कराया वो याद रख के गिनती आपको याद रखनी है।